हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएनडी कंस्ट्रक्शन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर वीडीएफ फ्लोरिंग। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली हम देखेंगे वीडीएफ फ्लोरिंग करने के लिए साइट पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो ये कंप्लीट वन बाय वन सब इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे कि कौन सा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा तो हमारी वीडीएफ फ्लोरिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो फर्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट होता है एमएससी चैनल। जो एमएस का सी चैनल यूज़ होता है फ्रेंड, वो 100 बाई 50 एमएम होता है एंड 50 एमएम डायमीटर हाफ राउंड चैनल होता है। जो ये हमारी दो जो बे होती है जो 4 मीटर बाई 4 मीटर की, उसको कनेक्ट करने के लिए, बॉन्डिंग के लिए हम हाफ राउंड पाइप्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, इस टाइप के हम सी चैनल्स यूज़ करते हैं फॉर ट्रिमिक्स पर्पस। सेकेंड फ्रेंड्स, रीबार सपोर्ट। जो हमारे चैनल्स हो गए, वो चैनल्स को सपोर्टिंग के लिए हम रीबार्स यूज़ करते हैं। ये स्टील की रीबार्स होती है एंड ये रीबार्स सी चैनल को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं एंड ये रीबार्स के ऊपर हम वेट रख देते हैं, जिससे हमारा वेट के वजह से सी चैनल्स का मूवमेंट नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स फोटो में कि ये रीबार हैं एंड इस टाइप से हम रीबार यूज़ करते हैं। एंड थर्ड जो इक्विपमेंट यूज़ होता है फ्रेंड्स वीडीएफ ट्रिमिक्स के लिए, वो नीडल वाइब्रेटर। जनरली 60 एमएम डायमीटर का नीडल वाइब्रेटर यूज़ होता है, पोकर वाइब्रेटर। ये कॉम्पैक्शन के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हमारा बीम वाइब्रेटर पॉसिबल नहीं है। तो चैनल्स के साइड में जो आरसीसी सरफेस एज है, वहाँ पे हम नीडल वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, इस टाइप से हम कॉन्क्रीट को नीडल वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन देते हैं। फोर्थ इक्विपमेंट है फ्रेंड्स डबल बीम वाइब्रेटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वाइब्रेटर है। ये सरफेस को वाइब्रेट भी करता है एंड लेवलिंग भी करता है। ये सरफेस लेवलिंग के लिए भी यूज़ होता है। सो डबल बीम वाइब्रेटर, ये जो 4 मीटर का बे होता है, ये 4.2 मीटर लेंथ होती है इसकी, इसको हम ये पुल करते हैं, डबल बीम वाइब्रेटर को खींचते हैं, जिससे हम ये 1 मीटर पर मिनट के हिसाब से इसका पुलिंग होता है, खींचते हैं तो ये वाइब्रेट होता है। फिफ्थ वन जो है फ्रेंड्स, वो है फिल्टर पैड। ये फ्रेंड्स वाटर जो सीमेंट एंड सैंड पार्टिकल्स कंक्रीट में है, उसको बाहर आने नहीं देता इन प्रोसेस ऑफ सक्शन। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टाइप से फिल्टर पैड्स लेइंग करते हैं हम कॉन्क्रीट सरफेस पे। एंड सिक्स वन है सक्शन पैड। सक्शन पैड यूज़ करते हैं, लेइंग करते हैं पूरा कंक्रीट फ्लोर पे एंड इससे हम वाटर सक करते हैं, जो एक्सेस वाटर, सरप्लस वाटर कंक्रीट में रहता है उसे। सो जब हमारा सेवेंथ जो है इक्विपमेंट है, वो वैक्यूम पंप फॉर डीवाटरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट। वैक्यूम पंप जो है, ये पंप जो हम सक्शन पैड लगाते हैं, उससे हमारा सरप्लस वाटर को खींचता है, वो एक्सेस वाटर रिमूव करता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वैक्यूम पंप। जो नेक्स्ट इक्विपमेंट यूज़ होता है फ्रेंड्स, वो है फ्लोटर मशीन। फ्लोटर मशीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फ्लोटिंग ऑपरेशन में यूज़ होता है। ये दो टाइप्स की भी आती है, एक डिस्क फ्लोटिंग मशीन भी होती है एंड ट्रॉवलिंग के लिए ब्लेड भी फिक्स्ड होते हैं। ये फ्लोटिंग मशीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टाइप से फ्लोटर हम मशीन फ्लोट करते हैं हम पूरे सरफेस पे। पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में हम नेक्स्ट इक्विपमेंट यूज़ होता है ग्रूव कटिंग मशीन, यूज्ड फॉर मेकिंग ग्रूव्स इन वीडीएफ। वीडीएफ कंक्रीट में 5 mm विड्थ में एंड अराउंड 10 to 20 mm जो डेप्थ है एज पर रिक्वायर्ड, ये ग्रूव्स कटिंग करना रहता है टू अवॉइड क्रैक्स इन ट्रिमिक्स। सो ये ग्रूव कटिंग मशीन यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टाइप से ये ग्रूव मशीन यूज़ होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो में। बेसिक इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है साइट पे, अगर आपको ट्रिमिक्स फ्लोरिंग करना है तो। सो होप सो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझा होगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है टू डू ट्रिमिक्स फ्लोरिंग। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।